नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम बाबू कुमार और आप देख रहे हैं माइट्रिक्स वीडियो चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपने एरिया का, अपने गांव का या अपने शहर का, अपने ज़िले का समाचार पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़िएगा, आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बताने से पहले एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि नीचे आपको एक रेड बटन मिलेगा, उस पर टच करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी टच कर दें, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि आप अपने शहर या अपने ज़िले का समाचार कैसे पढ़िएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। तो चलिए हम अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा प्ले स्टोर है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, इस गूगल प्ले सर्च में हम लिख देंगे समाचार। तो दोस्तों, इसमें हम समाचार लिख कर सर्च कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम समाचार लिख दिए और यहाँ से सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने समाचार का एक ऐप आ जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदी न्यूज, इंडिया ऑल न्यूज़पेपर। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले आप इसका रेटिंग देख सकते हैं, 4.2 है और इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप अपने क्षेत्रीय समाचार इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये इस तरह से खुलेगा। तो आपका जो भी क्षेत्रीय समाचार हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट दिया गया है, तो जो मेरा स्टेट है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बिहार स्टेट है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे ज़िले का जो खबर है वो प्रभात खबर है, तो इस पर हम टच कर देंगे। उस पर टच करने के बाद दोस्तों, प्रभात खबर का जो भी न्यूज़ होगा हमारे सामने आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये हेडलाइन है और हम अपने ज़िले का या अपने शहर का समाचार देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर हम टच करेंगे। तो दोस्तों, उस पर टच करने के बाद आपके स्टेट का जो भी ज़िला होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे स्टेट का जो ज़िला है ये सीतामढ़ी है, जो मेरे अपना ज़िला है। तो दोस्तों, हम यहाँ का समाचार अगर देखना चाहते हैं तो हमें इस पर टच करना होगा, और भी बहुत सारे ज़िले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सीतामढ़ी का न्यूज आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं सीतामढ़ी मेजरगंज ज़िले में गुरुवार की सुबह 3 बजे आई। इस तरह से इस पर टच करके हम इसका पूरा समाचार देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है अप्रैल, अपडेट किया गया है, तो जो आज का टाइम हुआ यहाँ पर दिया गया है, आज का डेट भी दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने क्षेत्रीय समाचार पढ़ सकते हैं, फिर बैक होकर आप अगले समाचार भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, जो भी आपके क्षेत्र का समाचार होगा ये सीतामढ़ी का ही है, ये भी सीतामढ़ी का है, तो जो आपके सीतामढ़ी के क्षेत्र का समाचार होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अपना लोकेशन भी सेलेक्ट करके आपका जो भी ज़िला हो या जो भी शहर हो आप वहाँ का समाचार देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल में ही सारे खबर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप के ज़रिए आप अपने क्षेत्र का समाचार पढ़ सकते हैं, आपको पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।